मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, श्रीमान सीआर चौधरी जी, सचिव डीआईपीपी श्री रमेश अभिषेक जी, यहाँ उपस्थित उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े मेरे सभी भाई और बहनों, पूरा देश गणपति पूजा में व्यस्त है। हर किसी के घर में गणपति बापा का आगमन हुआ है और हर शुभ कार्य को मंगल बनाने के लिए भगवान गणेश को स्मरण करके आगे बढ़ते हैं। भव्य और दिव्य भारत के इस बड़े प्रतीक, न्यू इंडिया के एक अहम सेंटर के निर्माण का आज श्री गणेश करने का एक बहुत ही उपयुक्त अवसर है। देश की आर्थिक उन्नति, सांस्कृतिक समृद्धि, प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता और उसकी पहचान इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी IICC, उसमें हम भली भांति अनुभव कर पाएंगे। ये सेवा 125 करोड़ देशवासियों की इस भावना का प्रकटीकरण है जो दुनिया में भारत का आज जो रुतबा बन रहा है, भारत का जो स्थान बन रहा है, उससे वो अनुरूप है। करीब करीब 26,000 करोड़ की लागत से होने वाला ये निर्माण इस देश के 80 करोड़ युवाओं के एटीट्यूड और एनर्जी का एक सेंटर बनने वाला है। ये सरकार के उस विजन का हिस्सा है जिसके केंद्र में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। और जैसा कि अभी हमने एक फिल्म के माध्यम से और बाहर 3D मॉडल के माध्यम से भी विस्तार से बताया गया कि ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। ये एक प्रकार से दिल्ली के भीतर ही एक मिनी सिटी होगा। एक ही कैंपस में कन्वेंशन हॉल, एक्सपो हॉल, मीटिंग हॉल, होटल्स, मार्केट, दफ्तर, रिक्रिएशन, ऐसी तमाम सुविधाएं एक ही स्थान पर विकसित होने वाली है। अब देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजनों के लिए हमें जो बार बार सोचना पड़ रहा है कि करें या न करें, दुनिया भर के लोगों को बुलाएं या न बुलाएं, उस उलझन में से हम बाहर आ जाएंगे। यहां बनने वाला ये कन्वेंशन हॉल एक ऐसी जगह बन रही है जहां 10,000 लोगों के बैठने की सुविधा होगी।
बैठने की कैपेसिटी के लिहाज से ये दुनिया के टॉप 5 और एशिया के टॉप 3 कन्वेंशन हॉल में गिना जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि बीते 4 वर्षों में जो सबसे बड़े काम करने की एक परंपरा विकसित हुई है, उसकी कड़ी को ये और विस्तार देने वाला है। ये भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर होने वाला है। साथियों, इस सरकार ने देश के विकास के लिए अभूतपूर्व योजनाओं का पर कार्य शुरू किया है। सबसे लंबी सुरंग बनाने का काम या सबसे लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम हो या समंदर पर सबसे लंबा पुल बनाने का काम हो या सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का काम हो, देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का काम हो, देश के हर गांव और हर परिवार तक बिजली पहुंचाने का काम हो, सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन का मूवमेंट हो, ग्रामीण क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को बनाने का काम हो, जीएसटी के रूप में सबसे बड़े इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स का काम हो, स्वच्छ भारत के रूप में सबसे बड़ा जन आंदोलन चलाने का काम हो, और अब देश और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत का बीड़ा उठाने का काम इसी सरकार ने किया है। ये कुछ उदाहरण है सिर्फ देश के फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने वाले प्रोजेक्ट ही नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के भारत, न्यू इंडिया की स्पीड, स्केल और स्किल के प्रतीक है। साथियों, आज देश में हर हिस्से में जो विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं, उनमें IICC का नाम जुड़ने वाला है। हर आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस पूरे परिसर में देश दुनिया के बिजनेस लीडर के लिए वो तमाम सुविधाएं होगी जिसकी अपेक्षा वो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से करता है। वो अर्थव्यवस्था जो 8% से अधिक की गति से विकास कर रही है, जो आने वाले 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन, तो अगले 1-1.5 दशक में 10 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को लेकर के तेज गति से आगे बढ़ रही है। मुझे जानकर के खुशी है कि परिसर यातायात की आधुनिक सुविधाओं से वेल कनेक्टेड होगा। हाई स्पीड मेट्रो से ये सीधे एयरपोर्ट से कनेक्टेड होगा। मीटिंग हो, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हो, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस हो, मनोरंजन हो, शॉपिंग हो या फिर टूरिज्म से जुड़ी व्यवस्थाएं, सब एक स्थान पर उपलब्ध होगी। ये प्रोजेक्ट
सरकार के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके तहत भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़े हर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, हम दुनिया में कहीं भी जाएं, अक्सर देखने को मिलता है कि छोटे छोटे देश भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस रखने की क्षमता रखते हैं। इस तरह की आधुनिक व्यवस्थाओं के निर्माण की वजह से कई देश कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के हब बन चुके हैं, लेकिन हमारे यहां बरसों तक इस दिशा में सोचा ही नहीं गया। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस को या हमारे ट्रेड फेयर लगाने हो तो आम तौर पर घूम फिर करके एक ही जगह प्रगति मैदान, बस वहीं पर सब कुछ सीमित हो गया और वो भी अपनी ऊर्जा खो चुका था। अब ये सोच बदली है और उसी का परिणाम आज का ये आयोजन है। देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी IICC जैसे सेंटरों का निर्माण बिजनेस कल्चर से जुड़े एक अहम पक्ष को मजबूत करेगा। हमारे देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का एक इकोसिस्टम डेवलप करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समिट, बड़ी बड़ी कंपनियों के एनुअल जनरल मीटिंग्स, सरकार के तमाम विभागों के कार्यक्रम इस तरह के सेंटरों में आसानी से हो सकेंगे। ये आधुनिक कन्वेंशन सेंटर कहीं न कहीं ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ाएगा। पंडाल की चिंता नहीं, पानी बिजली की चिंता नहीं, मौसम की का डर नहीं, एक रेडी टू यूज सिस्टम होगा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्तेमाल के लिए आसानी से सुलभ होगा। बिजनेस एक्टिविटी हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, जब शहर में इस तरह की गतिविधियों के केंद्र होंगे तो पूरे शहर को उसका लाभ मिलता है। ये कन्वेंशन सेंटर शहरों की पहचान भी बनेंगे। साथियों, IICC इंडिया की क्रेडिबल स्टोरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक देने वाला एक अच्छा माध्यम बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये बनकर के तैयार होगा तो कॉन्फ्रेंस टूरिज्म MIC यानी मीटिंग इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन के अहम डेस्टिनेशन के रूप में भारत की पहचान को एक नई ताकत मिलेगी। IICC के रूप में देश के व्यापारियों, उद्यमियों, कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने प्रोडक्ट को दिखाने, उसकी पहचान को स्थापित करने का आसान साधन भी होगा। विशेष तौर पर देश के छोटे और मझले उद्यमी अपने प्रचार प्रसार पर उतना खर्च नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण मंच सिद्ध होने वाला है। वो यहां अंतर्राष्ट्रीय बायर्स और सेलर से सीधा संवाद कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेक्नोलॉजी के बारे में भी वो आसानी से जान पाएंगे और अपने उद्योग को उसी हिसाब से वे अपडेट कर पाएंगे। ये सुविधा सरकार के उन प्रयासों को बल देगी जिसके तहत MSME यानी मीडियम एंड स्मॉल स्केल को सशक्त किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्टार्टअप के लिए भी
ये बहुत बड़ी सुविधा खड़ी होने वाली है। स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी समस्या अपने आइडियाज को निवेशकों तक पहुंचाने की होती है। देश के इनोवेटिव यूथ के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, जहां आइडिया और इनोवेशन की चर्चा से लेकर फंडिंग और ब्रांडिंग की मार्केटिंग तक आसानी से की जा सकेगी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आज भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। आज हमारे युवा 10,000 से अधिक स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ये आधुनिक व्यवस्था समाज के हर वर्ग हर स्तर को लाभ पहुंचाएगी। बड़ी बात यह भी है कि ये सेंटर देश के 5 लाख युवा साथियों को रोजगार के अवसर देने वाला है। ये सिर्फ देश की आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के प्रदर्शन का ही नहीं ये स्थान, बल्कि ये लाखों गरीब मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन को नई दिशा देने वाला प्रोजेक्ट। देश के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्किल सेंटर्स या फिर किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले नौजवान की आकांक्षाओं को ये बदलने की ताकत रखता है। भाई और बहनों, IICC इंफ्रास्ट्रक्चर के उन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स का विस्तार है जिनको बीते 4 वर्षों में जमीन पर उतारा गया है। ऐसे प्रोजेक्ट्स ने लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाए हैं। सर्विस हो, कृषि हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा हो रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश के आईटी सेक्टर में भी रोजगार निर्माण में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। रिटेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर बन रहे हैं। अकेला ई कॉमर्स सेक्टर ही $50 अरब से अधिक का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। जितना ये व्यापक हो रहा है उतना ही अधिक रोजगार भी दे पा रहा है। साथियों, सर्विस के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आज मेक इन इंडिया की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है, जिससे देश के 4.5 लाख से भी अधिक युवाओं को बीते 4 वर्षों के दौरान रोजगार से जोड़ा गया है। आज स्थिति यह है कि हम मोबाइल एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, साथ में 80% मोबाइल फोन देश में ही बन रहे हैं। इससे विदेशी मुद्रा के रूप में 3 लाख करोड़ रुपए की बचत देश को हुई है। साथियों, पिछले 4 वर्षों में देश में ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड बिजनेस का उत्तम माहौल तैयार किया गया है। आज देश का टेलीकॉम सेक्टर 5-6 वर्ष पहले के अंधेरे से बाहर आ चुका है। आज ये देश के सबसे तेज बढ़ते सेक्टर्स में शामिल हो गया है। देश अब 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह तेजी से बढ़ रहा है। पारदर्शी टेंडरिंग व्यवस्था और डिजिटल इंडिया अभियान से इसको अभूतपूर्व गति मिली है। आज वॉइस कॉल करीब करीब फ्री है और 1 GB 4G डेटा 250-300 रुपए से घटकर 19-20 रुपए तक पहुंच गया है।
यानी देश के सामान्य व्यक्ति को इंटरनेट की ताकत मिली है तो इंडस्ट्री को व्यापार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। टेलीकॉम के साथ साथ देश का टूरिज्म सेक्टर भी निरंतर विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। देश में रोजगार के लाखों अवसर निर्मित कर रहा है। साथियों, देश व्यवस्था से चलता है, संस्थानों से आगे बढ़ता है और ये दो चार महीने दो चार साल में नहीं बनती, ये वर्षों के सतत विकास का परिणाम होती है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि फैसले समय पर लिए जाएं और इन्हें बिना टाले लागू किया जाए। अब ये छोटे बैंकों के मर्जर का फैसला ही लीजिए, दर्जनों सरकारी बैंकों की क्या आवश्यकता है। इसको लेकर सालों से हम डिबेट सुनते आ रहे हैं। करीब ढाई दशक पहले इसके बारे में कदम उठाने की बात शुरू हुई थी, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने का साहस पहले भी चर्चाएं हुई किसी ने नहीं जुटा, लेकिन बीते 50 महीने इसके गवाह हैं कि एनडीए की यह सरकार राष्ट्रहित में लिए जाने वाले कठिन फैसले लेने में कभी पीछे नहीं रहती। जो वर्षों से लटके फैसले थे उनको पूरी शक्ति के साथ जमीन पर उतारा गया। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में छोटे बैंकों का मर्जर किया गया और अब तीन और बैंकों को एक ही बैंक में मिलाने का फैसला लिया गया है। और मुझे याद है तीन चार साल पहले जब रिफॉर्म की चर्चाएं होती थी तो कुछ लोग बढ़ चढ़ करके लिखते थे, अगर मोदी बैंकों का मर्जर करके दिखा दे तो हम मानेंगे कि मोदी कुछ कर रहा है। अब जब हो गया है तो पता नहीं उनकी कलम को नींद आ गई है। चुप हो गए, जीएसटी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, बेनामी संपत्ति कानून हो, इंसॉल्वेंसी कोड हो, भगोड़े आर्थिक अपराधियों से जुड़ा कानून हो, 3 लाख से अधिक संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करना हो, ये सभी फैसले ईमानदार और पारदर्शी बिजनेस एनवायरनमेंट के बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के ये जीते जागते उदाहरण है। साथियों, देश में पिछले 4 वर्षों में चौतरफा विकास इसलिए संभव हो पाया, उन्हीं संसाधनों के रहते सरकार बेहतर काम इसलिए कर पाई क्योंकि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा गया, व्यवस्थाओं को सही दिशा की तरफ मोड़ा गया। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनहित में मुश्किल से मुश्किल फैसले लेने का यह सिलसिला जारी रहेगा। आज देश में चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव दिनों दिन मजबूत होती चली जा रही है। फंडामेंटल्स मजबूत है, निर्यात को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड को जीडीपी का 40% तक करने के लिए एक विस्तृत योजना पर काम चल रहा है। साल 2025 तक जीडीपी को $5 ट्रिलियन तक ले जाने के जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें $1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर का हो, इसकी तरफ भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। ये सरकार की कोशिका
पक्का का ही अवसर है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत ने 4 वर्षों में 42 अंकों का सुधार किया है। ये भी अपनी तरह का एक रिकॉर्ड है। अब तो राज्यों में भी एक कंपटीशन शुरू हुआ है कि कौन अपनी रैंकिंग तेजी से सुधारता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की यह स्पर्धा लोगों की ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ा रही है। रिफॉर्म की जो हमारी यात्रा है वो अब जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर पहुंचाने की कोशिश है। आज जिला स्तर पर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए एक पूरे एक्शन प्लान पर काम हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में जिलों के जीडीपी में 2 से 3% की वृद्धि कैसे हो, उसके तरीके क्या हो, इनिशिएटिव क्या हो, प्रायोरिटी क्या हो। सरकार की सोच रही है कि अगर रिफॉर्म को स्थायी बनाना है तो जमीन पर उसका असर दिखना चाहिए। साथियों, हमारे देश जितना बड़ा है, हमारे देश में जितने युवा है, उतने ही हमारे देश के बड़े सपने का इसको पूरा अधिकार है, उन सपने देखने का अधिकार है, उन सपनों को शक्ल देने का अधिकार है, इनको साकार करने में मदद करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ देश के उद्योग जगत की, आप सभी की भी है। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर न्यू इंडिया की युवा आकांक्षाओं को बल देने में पूरी शक्ति से काम करेंगे। आने वाले 1-1.5 वर्ष के भीतर IICC का पहला चरण पूरा करने का प्रयास है। इसके निर्माण से जुड़ी और उसके जुड़े हुए लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे अभी बताया गया कि अभी इस परिसर में करीब करीब 2,500 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यानी शिलान्यास की विधि से पहले काम का पूरा खाका तैयार करके काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जिन सपनों को लेकर के हम चले हैं और बदलते हुए विश्व में, ग्लोबल इकोनॉमी के युग में, भारत भी हर प्रकार से अपने आप को न सिर्फ रिलेवेंट लेकिन एक लीडर रोल में अपने आप को प्रस्तुत करने का सामर्थ्य लेकर के आगे बढ़े, इन्हीं सपनों के लिए साथ आगे बढ़ना है, तब मैं फिर एक बार इस पूरी टीम को, इस काम को समय पर उत्तम तरीके से, उत्तम निर्माण कार्य के साथ उत्तम गति देते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।